हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त ब्लॉग हिमांशु आ गया न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैं अपने गौरव भाई के साथ आ चुका हूँ, दूनागिरी मंदिर पहुंच चुके हैं। हमारे बैक साइड में उधर दूनागिरी मंदिर है। बाकी यहाँ के नज़ारे बहुत तगड़े तगड़े, देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं हम पहाड़ की। और यहाँ से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, प्रसाद बना रहे हैं। बाकी दूनागिरी मंदिर में एंट्री करते हैं और आपको मैं पूरे प्रॉपर व्यू दिखाऊंगा यहाँ के दूनागिरी मंदिर की, माता के आपको दर्शन भी कराऊंगा इस ब्लॉग में। तो जो भी उत्तराखंड से मेरे दोस्त इस ब्लॉग को प्यार दे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जानकारी दे देता हूँ इस मंदिर के बारे में। ये जो मंदिर है ना, ये काफी पुराना मंदिर है, काफी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। तो इसकी काफी मान्यता है यहाँ पे उत्तराखंड में, जिसका नाम दूनागिरी है। तो आप कहीं पे भी रहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो जब मर्जी। और ये हमारे गौरव भाई घंटी वगैरह ले रहे हैं यहाँ से चढ़ाने के लिए। कौन सा रस रखे हुए इसमें, ये पसंद करिए गौरव भाई ने हमारे। और ये घंटी में अपना नाम लिखवाएंगे। मेरा नाम की पता कैसे चलेगा, मेरा नाम की पता कैसे चलेगा, किसने चढ़ाई है करके। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। यहाँ पे गुड्डू भाई को घंटी मिल गई है। यहाँ से एंट्री है मंदिर की। दूनागिरी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? दूनागिरी को वैष्णव देवी मंदिर के बाद शक्तिपीठ के रूप में मान्यता है। यहां देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। दूनागिरी का उल्लेख पुराणों और उपनिषदों में भी मिलता है। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र से 15 किमी दूर मां दूनागिरी माता का मंदिर है। सड़क से लगभग 365 सीढ़ियों द्वारा मंदिर तक जाया जाता है। सीढ़ियों की ऊंचाई कम व लंबी है। सीढ़ियों को सेट से ढका गया है और पूरे रास्ते में हजारों घंटे लगे हुए हैं, जो लगभग एक जैसे हैं। काफी ज्यादा सीढ़ियां हैं यहाँ पे, थक भी गए थोड़ा सा। ऊपर सुकून मिलेगा, सुकून की तरफ ही तो जा रहे हैं हम। और गुड्डू भाई और मैंने माता की चुनरी लगा ली है सिर पे। बहुत ज्यादा नीचे से आ रहे, देख सकते हो आप पीछे बैकग्राउंड में। थक गए हैं यहाँ पे आते आते, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। लेकिन चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, देख आने वाला है। अब तो आने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया है शायद। अभी तो बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ हैं ऊपर को, यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। A few moments later. मंदिर दिख गया है वैसे मेरे को, और जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। मेरे पास सामान भी है अपना, तो इसे भी रखना है अभी। बाकी अभी जूते वगैरह रखते हैं हम अपने। सो गौरव भाई अपने पैर वगैरह धो रहे हैं। ब्लॉगिंग हिमांशु हमारे सूज उतार रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं थक चुके हैं पूरा। रख दूं? हाँ साथ में रख दो, जो मेरा है ना यहाँ पे। हाँ हाँ ये ब्लॉक्स बने, इनके अंदर रख दो। मुँह पैर धो लो अपने, ये यहाँ पे बनाया इसलिए किया है कि जो भी श्रद्धालु हैं वो अपने पैर यहाँ पे आराम से धो सकें, पैर और हाथ धो के आराम से फिर मंदिर की ओर अग्रसर करें। मंदिर में जैसे आ गए, शूज वगैरह हमने रख लिए अपने, बाकी एंट्रेंस फिर यहाँ से है। तो गौरव भाई और मैं अभी जा रहे हैं जल्दी जल्दी, दर्शन करते हैं माता के, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो ब्लॉग में बने रहे, जल्दी जल्दी आओ। छोटे छोटे मंदिर करके
फिर माता के मंदिर के दर्शन होते हैं यहाँ पे। ये जो दुनागिरी माता में 1008 महा अवतार जिसके थे बाबा जी, ये तपस्थली है उनकी, यहाँ पे वो तपस्या करते थे। अब आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर मंदिर है वो है भैरव देवता का, ये शिव जी का मंदिर है भैरव मंदिर। अंदर से भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे प्यारे हनुमान जी के मंदिर ले जाता हूँ जो कि सबके प्यारे हैं। जय बजरंगबली की। यह हमारे प्यारे हनुमान जी का मंदिर है, तो सारे बोलो जय बजरंगबली। और यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की तरफ को आगे, जो कि मेन होता है, मेन माता का मंदिर आ गया जो दुनागिरी माता। मेन इसका दरबार हजारों सालों पहले बना था, अब ये थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, मॉडिफाई कर दिया है मंदिर को, कैमरास भी लगे हैं इधर, वहाँ पे ऐसे परिक्रमा करते हैं। A few moments later. पे हमारी पूजा हो चुकी है, क्या बोला पंडित जी ने आपको? अच्छा, तो अभी घंटी पकड़ के हम परिक्रमा कर रहे हैं। और व्लॉगी हिमांशु, आपको भी दिखाऊंगा मैं, देखिए वीडियो में ही एक परिक्रमा हमारी हो गई है। तो गाइस जैसा कि हमारी पूजा वगैरह हो गई है और गौरव भाई घंटी बांध रहे हैं, देख सकते हो आप। गौरव भाई हमारे घंटी बांध चुके हैं, सो ये इनका प्रसाद। अच्छा हाँ, जय माता दी, जय माता। इंट्रोडक्शन तो दो अपना, सबको बताओ तुम। मैं हूँ 7 साल का। अच्छा, नाम तो बताओ। आप कहाँ रहते दिल्ली में? मैं रहता हूँ दिल्ली में, बुराड़ी में। अच्छा, वही आना पड़ेगा मिलने के लिए ना फिर? नहीं। हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया है वहाँ का, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था। यहाँ पे एक झूला है, तो अभी हम उस पे झूलने जा रहे हैं। स्वर्ग में जाने वाला झूला है, गौरव भाई का कहना है ये स्वर्ग में जाने वाला झूला है। झूलाऊं? और ये देखो, और गौरव भाई झूला झूल रहे हैं। और गौरव भाई कैसा लगा मंदिर में आके? मजा आ गया, माता के दर्शन हुए अच्छे से, पूजा भी बहुत अच्छी हुई हमारी, घंटी भी चढ़ा दी है हमने। सो अब मैं भी जाता हूँ जरा इस झूले में, थोड़े झूले के मजे लेता हूँ, झूले झूलता हूँ। मांशु भाई झूल रहे हैं अब, देखो अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। दर्शन के बाद झूले, दर्शन बड़े अच्छे हो गए हैं हमारे। सो अभी लग रही है पानी की प्यास, सो पानी पीता हूँ। और मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था इस वीडियो में, अगर आप मेरे से पर्सनल कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे सिनेमैटिक मिनी व्लॉग्स डालता हूँ जो कि ट्रैवल से रिलेटेड होते हैं। तो बाकी दिल्ली में कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं घूमा ना हूँ, आपने जितने भी मेरे व्लॉग्स देखे हैं, नहीं भी देखे हैं तो देख लेना, देन मुझको बताना। कोई भी ऐसी नई जगह हो एक्सप्लोर करने के लिए तो मेरे को बताना, और मेरे साथ भी आप चल सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि कोई मेरे साथ वाले ही जाएंगे। आप मेरे को DM करोगे तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, तो साथ में चलते हैं, नए नए व्लॉग्स बनाते हैं, नए नए जगह एक्सप्लोर करते हैं साथ में, और बस कुछ नहीं, मजे करते हैं लाइफ के, मजे लो। ये हुई ना बात। यहाँ पे मार्केट भी है, तो हमारे गौरव भाई अभी यहाँ से कुछ खरीदारी कर रहे हैं, देख सकते हो आप, अपने घर वालों के लिए कुछ सामान ले लिया है। सो गौरव भाई अभी कुछ और भी लेना है, भंडारा खाएंगे ना। अच्छा, तो अभी हम जाते हैं भंडारा खाने, क्योंकि हमें भूख भी लग रही है। गाइस ये हमारा भंडारा है जो कि हमें यहाँ मिला है। तो दोस्तों जैसा कि हमने भंडारा खा लिया है, और
अब हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ भाई थक नहीं गए हैं अब? तो खाना भी खा चुके हैं, सो जाएंगे गाड़ी में जाके। गाड़ी हमारे घर के लिए मिले या ना मिले जाना पड़ेगा, पैदल पैदल ले जाऊंगा मैं। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, बाकी इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर देना, उनको भी तो आना है ना। तो जब तक के लिए बाय बाय।